नकली दरोगा बनकर लोगों को ठगने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जानकारी के अनुसार नकली दरोगा बनकर एक छात्र से 9000 के ठगी करने वाले एक शातिर युवक को ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बीमारी का हवाला देकर आरोपी जगपाल सिंह ने पीएससी की तैयारी कर रहे रामेंद्र परिहार नाम के छात्र के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, आरोपी जगपाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को पता लगा कि आरोपी ने थाटीपुर इलाके में भी वारदातों को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस को पता चला है कि आरोपी ने एक महिला कांस्टेबल को अपने झांसे में लेकर उससे शादी भी की। आरोपी जगपाल पर ग्वालियर के साथ झांसी जिले में भी धोखा देने के कई मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस आरोपी को कोर्ट से रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, जिससे धोखाधड़ी के अन्य वारदातों का भी खुलासा किया जा सके। वर्दी पहन के एक युवक जिसने कई लोगों को यहाँ पे झांसा दिया था और एक 420 का केस थाना थाटीपुर में दर्ज है, उसे पकड़ने में भी सफलता हासिल की है और उसके ऊपर पूर्व में झांसी में 3 प्रकरण धोखाधड़ी के दर्ज हैं। तो इस प्रकार आज क्राइम ब्रांच ग्वालियर ने, पूरी टीम ने बड़ी मेहनत करते हुए और 2 पुराने हत्या के अपराधियों को और एक धोखाधड़ी करने वाले फर्जी सब इंस्पेक्टर को पकड़ा।